हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूं डेली करंट अफेयर्स जीके, जो कि आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स है। आज 17 जनवरी 2019 वार गुरुवार की हम बात करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह करंट अफेयर्स आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यदि साथियों आपने डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इसके साथ ही यदि आप राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और डेली राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का मजा लें। साथ ही साथ करंट अपडेट्स, रिक्रूटमेंट नोटिस, क्विज और हेल्प सेंटर के लिए आप यूवी कॉम्पिटिशंस जो कि इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल न्यूज राष्ट्रीय समाचारों की। द फर्स्ट नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स EMRS वाज इनोग्रेटेड बाई जसवंत सिंह सुमन भाई भाबोर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर ट्राइबल अफेयर्स एट GMC बाला योगी स्टेडियम हैदराबाद। हैदराबाद के GMC बाल योगी स्टेडियम में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री जसवंत सिंह सुमन भाई भाबोर ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों EMRS के छात्रों के लिए पहली नेशनल लेवल स्पोर्ट्स मीट का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू प्रमोट माइक्रो इरिगेशन अमोंग गेस्ट फार्मर्स मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड रिवर डेवलपमेंट हैज ऑर्गेनाइज 9th इंटरनेशनल माइक्रो इरिगेशन कॉन्फ्रेंस इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। The conference focused on the theme of micro irrigation and modern agriculture. किसानों के बीच सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने के लिए जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 9वें अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन का आयोजन किया है। सम्मेलन सूक्ष्म सिंचाई और आधुनिक कृषि के विषय पर केंद्रित था। नेक्स्ट, सिविल एविएशन मिनिस्टर सुरेश प्रभु इनोग्रेटेड द ग्लोबल एविएशन समिट 2019 इन मुंबई। द समिट इज ए यूनियन एंड इट विल एड्रेस द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड द समिट विद ए थीम फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन इन एसोसिएशन विद फिक्की। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने मुंबई में ग्लोबल एविएशन समिट 2019 का उद्घाटन किया। शिखर सम्मेलन एक संघ है और यह सामना की जा रही है कि समस्या को संबोधित करेगा फ्लाइंग फॉर ऑल स्पेशली द नेक्स्ट 6 बिलियन के विषय के साथ। शिखर सम्मेलन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट हैज कंस्टिट्यूटेड ए 7-member ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स GM टू बूस्ट द रियल एस्टेट सेक्टर अंडर द GST रिजाइम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात नितिन पटेल इज द गवर्नर ऑफ द GOM। सरकार ने GST शासन के तहत अचल संपत्ति क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 7-सदस्यीय समूह GOM का गठन किया है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल GOM के संयोजक हैं। नेक्स्ट, ये बात करते हैं अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन नियुक्ति और इस्तीफों की। मोहम्मद अली कमर द मैन हु वॉन इंडियाज फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल इन बॉक्सिंग हैज टेकन ओवर एज द चीफ कोच फॉर द कंट्रीज फीमेल बॉक्सर ही हैज रिप्लेस्ड वेटरन शिव सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति मोहम्मद अली कमर ने देश की महिला मुक्केबाजों के लिए मुख्य कोच का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अनुभवी शिव सिंह की जगह ली है। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC अनाउंस्ड दैट मनु साहनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑर्गेनाइजेशंस न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने घोषणा की है कि मनु साहनी को संगठन के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, इंडियन फुटबॉल टीम हेड कोच स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन हैज स्टेप डाउन आफ्टर द टीम्स शॉक 0-1 डिफीट टू बहरीन विच लेड टू इट्स एग्जिट फ्रॉम द एशियन कप। भारतीय फुटबॉल टीम के मुख्य कोच स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन ने बहरीन को टीम की 0-1 से मिली हार के बाद पद छोड़ दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम एशिया कप से बाहर हो गई है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं अवार्ड्स पुरस्कारों की। ए डिटेंड चाइनीज राइट्स लॉयर यू वेनसेंग हैज वोन ए प्रानेस्को जर्मन ह्यूमन राइट्स अवार्ड फॉर द हिज एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। हिरासत में लिए गए चीनी अधिकार वकील यू वेनसेंग ने मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपने असाधारण योगदान के लिए फ्रेंको जर्मन मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट, स्पोर्ट्स न्यूज खेल समाचार। तमिलनाडु लेड डी गुकेश बिकम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रांड मास्टर इन द वर्ल्ड एंड द यंगेस्ट इंडियन टू अचीव द फीट एट 12 ईयर्स 7 months एंड 70 डेज रेजिंग द मार्क सेट बाई हिज स्टेट मेट आर प्रज्ञानानंद इन जून 2018। तमिलनाडु के डी मुगुकेश जून 2018 में अपने राज्य के आर प्रज्ञानानंद द्वारा दर्ज रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 12 वर्ष 7 महीने और 17 दिनों में दुनिया के दूसरे सब कम से कम आयु के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। नेक्स्ट और लास्ट न्यूज ऑफ ट्यूरिज निधन। मलयालम डायरेक्टर एंड स्क्रीन राइटर लेनिन राजेंद्रन हैज पास्ड अवे एट 67 ईयर्स। मलयालम निर्देशक और पटकथा लेखक लेनिन राजेंद्रन का 67 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये थे आज के मुख्य समाचार जो कि आपकी सभी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो लाइक करें, जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में डालें और यूवी कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हमें फेसबुक इंस्टाग्राम और अनअकैडमी पर भी फॉलो करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।